वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अखबार। तो आज हम बात करेंगे बिलिंग वॉलपेपर एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसको यूज करके कैसे फोल्ड के वॉलपेपर हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर रख सकते हैं, मैं अपने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को कर देना है ओपन। ओपन करते ही एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, यानी कि आपको ये फेस देखने को मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन को आपको कर देना है स्टार्ट पे क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ हमको एडवर्टाइजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो गाइस हमको एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। उसके बाद ही हमको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक यस का और दूसरा है नो का। तो हमको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब जितने भी वॉलपेपर आप देख रहे हो ये सारे के सारे एनिमेशन वॉलपेपर है। तो एक वॉलपेपर को हम क्लिक कर देते हैं। वॉलपेपर को क्लिक करते से यहाँ पर एडवर्टाइजिंग आ जाती है, तो उसको आपको हटा देना है। हटाने के साथ साथ यहाँ पर जो वॉलपेपर आता है वो एनिमेशन वॉलपेपर होता है, देख सकते हो आप। और हम इसको सेटा स्क्रीन पर भी क्लिक करके इस स्क्रीन पर भी रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जितना स्क्रॉल इसको करते जाओ वैसे ही हमको वॉलपेपर एक से बढ़कर एक देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है पॉपुलर वॉलपेपर का। पॉपुलर वॉलपेपर में आपको ये वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। अब नीचे के साइड हम देखिए कि यहाँ पर वॉलपेपर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सारे के सारे वॉलपेपर फ्री में यूज करने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको और भी कैटेगरी देखने को मिलती है। तो कैटेगरी आप देख सकते हो, पहली कैटेगरी हमारी स्कैनरी, फ्यूचर, एनिमल, अदर और फीलिंग, पॉपुलर, ये सारी की सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर करना है क्या गाइस, एक भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यानी जब भी आप वॉलपेपर रखना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के साथ साथ आपको करना क्या गाइस, यहाँ पर सेट स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक करना है। अब उसके साथ ही साथ आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है सेटस होम स्क्रीन, यानी आप सिर्फ इसको स्क्रीन पर रखना चाहते हैं। फिर दूसरा है सेटस लॉक स्क्रीन, यानी आप इसे वॉलपेपर को अगर लॉक स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। और अगर आप दोनों पर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सेट टू होम बोर्ड स्क्रीन पर क्लिक करना है। और चलिए हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब देख लेते हैं हमारा वॉलपेपर सेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हमको एडवर्टाइजिंग देख लेना है। तो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी पूरी तरीके से देख ली और सेट टू कम्प्लीटली हमारा हो चुका है ये वॉलपेपर। तो हम बेक करके देख लेते हैं क्या वॉलपेपर हो चुका है हमारा तो पूरी तरीके से सेट। हाँ जी हाँ गाइज, ये वॉलपेपर पूरी तरीके से सेट हो चुका है हमारा। इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर रख सकते हैं बड़ी आसानी से, जिस तरीके से मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है। तो आपको ये प्रोसेस और वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल सके।